वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर साड़ी हॉल। सो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा पैठनी साड़ी का कलेक्शन, और इस टाइम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरा बाकी का कलेक्शन है वो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इन टू वीडियो। इस टाइम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पास बनारसी सिल्क या फिर खंग की साड़ी है, कुछ कुछ जो है सारे फेस्टिव वेयर के जो मेरे पास साड़ी है पैठनी को छोड़ के, वो सारे कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, फर्स्ट है ये। तो ये बनारसी सिल्क साड़ी है और इसका प्रिंट देखो गाइज। सो ये इसका पल्लू है। फर्स्ट आप इसका बेस का प्रिंट देखो। बेस में इसके ऐसे छोटे छोटे लीव का वेविंग हो रखा है, और बाकी जो है इस साइड में इसका पल्लू है। और इसका डिज़ाइन देखो, इसमें गोल्डन के स्टोन भी लगे हैं पूरे पल्लू पे, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है ये। आई जस्ट शो यू, सी कितना प्रिटी कलर है इसका। और इसका ये डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये सेल्फ में है, पूरे एक ही कलर में है इसके, और जो इसका बॉर्डर है वो गोल्डन कलर का है, और इसका जो ब्लाउज है ना वो भी पिंक कलर का ही है। बट मैं इसको बॉटल ग्रीन कलर के साथ भी पेयर करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। सो या, और ये मैंने शादी के टाइम पे ली थी, रिसेप्शन के टाइम पहनी थी मैंने साड़ी। और इसका जो प्राइस है मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मुझे याद आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो या, दिस इज़ द फर्स्ट। सो नेक्स्ट है मेरे पास ये खन साड़ी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल, और इसका जो प्लेन डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था कुछ दिन पहले, बट ये मैंने इसमें कुछ अलग प्रिंट लिया है। तो देख सकते हैं इसमें ऐसे वाला गोल्डन फ्लावर का वेविंग हो रखा है, और नीचे ये देखो आप नथ का जो है डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये जो कलर है आपको पता ही होगा, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो काफ़ी ज़्यादा इस कलर की साड़ियाँ है मेरे पास। इसका जो पल्लू है ये प्लेन ही है, इस टाइप का कुछ है, और इस पर भी आप मिक्स एंड मैच करके ऐसी वाली साड़ीज़ के साथ कोई भी ब्लाउज अगर रेड कलर का या ग्रीन कलर का मैच करके पहन सकते हैं। तो ये भी वन ऑफ माय फेवरेट है। और उस टाइम मैंने इस साड़ी के साथ और एक कलर लिया था सेम ही डिज़ाइन में, वो है ये। सो मैंने लिया था इसमें ग्रीन कलर, और इस पे भी सेम ही वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पे जो नथ का नीचे डिज़ाइन बना हुआ है, और पूरे साड़ी पे ये फ्लावर का डिज़ाइन बना है। तो इसका भी पल्लू उसी टाइप का है आप देखोगे तो। और ये दोनों के भी जो बॉर्डर है वो रेड कलर के ही है, तो मैं एक ही ब्लाउज के साथ ये दोनों भी साड़ी पेयर कर सकती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये साड़ी, और काफ़ी ज़्यादा इसका भी मटेरियल जो है सॉफ्ट है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये वाली साड़ी तो मैंने अभी गुड़ी पड़वा के शूट पे गुड़ी को पहनाई थी। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मेरा आईडी चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट है ये वाली साड़ी। ये भी बनारसी सिल्क में ही है, ये पीच कलर की है। इस पे ऐसे पिकॉक का पूरा गोल्डन कलर से वर्क किया हुआ है, और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कॉन्ट्रास्ट में ही है, तो ये पीच कलर की है पूरा, इस पे ऐसे ये वर्क हो रखा है, और इसके जो बॉर्डर है ना वो हॉट पिंक कलर के हैं देखोगे तो, और गोल्डन कलर का वर्क भी हो रखा है इस पे। और इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है आप देखो, इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इस पे भी ये वर्क किया हुआ है पिंक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है ये। और इसका जो ब्लाउज है ना वो ये हॉट पिंक कलर का है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। मैं इसके पिक्स अगर मिल जाता है तो मैं ऐड कर दूंगी साइड में, आप चेकआउट करना एक बार। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है गाइज, देखो आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने के बाद एकदम अच्छे से बैठ जाती है, फूलती नहीं। मुझे वो वाली साड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है जो एकदम से फूल जाती है, मुझे ऐसे ही जो सॉफ्ट साड़ियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसी वाली साड़ीज़ ही लेना। गाइज, साइड में बच्चों के क्लासेस छूट गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बच्चों को तो हम कुछ बोल नहीं सकते।
सो पर्पल कलर में मेरे पास और एक साड़ी है खंगमय, ये भी मैंने रिसेंटली स्टाइल की थी। तो ये देखो, ये प्लेन है क्योंकि जो पहली वाली थी उस पर प्रिंट था, तो इस पर कुछ वर्क नहीं है। इसका जो ऊपर का बॉर्डर है ये भी काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये तो विजिबल नहीं होता, बट इसका जो बैक साइड का बॉर्डर है ये कितना प्रिटी है गाइज। देखो इसमें ना एक प्लस पॉइंट लगा मुझे कि इसमें आप देख सकते हो ग्रे कलर का और सिल्वर कलर का भी डिटेलिंग है और गोल्डन कलर का भी डिटेलिंग है। तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ भी आप पैर कर सकते हो और ये गोल्डन कलर के ज्वेलरी के साथ भी पैर कर सकते हो। तो मैंने रिसेंटली ही ये स्टाइल की थी, तो मैंने गोल्डन ज्वेलरी के साथ स्टाइल की थी और मैं नेक्स्ट टाइम इसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ भी पैर करने वाली हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट जो साड़ी है मेरे पास वो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। इसका ये वर्क देखो गाइस, पूरे साड़ी पे ये वर्क हुआ है और ये गोल्डन कलर का जो डिटेलिंग है ना, इससे इसका जो लुक आता है ना काफ़ी ज़्यादा रिच लुक आता है पहनने के बाद। मैंने एक वेडिंग फंक्शन में इसको स्टाइल भी किया है, मैं अगर उसके पिक्चर्स मिल जाते हैं तो अटैच कर दूँगी। इस पे जो गोल्डन कलर का ये डिटेलिंग दे रखा है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने के बाद इजीली बैठ जाती है। सो ये थी नेक्स्ट। ओके गाइस, जो नेक्स्ट है मेरे पास ये, तो ये ऑक्सीडाइज पैटर्न में है, तो इस पे ये डिटेलिंग जो है सिल्वर कलर का दे रखा है और इसके ये जो बॉर्डर है इस पे ये पैरेट का वर्क किया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये कलर काफ़ी यूनिक लगा मुझे। इसमें सेम ही डिज़ाइन में इसकी ब्लैक कलर की मैंने फर्स्ट संक्रांति पे स्टाइल की थी साड़ी, उसके भी पिक्चर में साइड में अटैच कर दूंगी। बट मुझे फिर ये कलर दिखा तो मैंने ये परचेस कर लिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी मैंने पहना था बट इसके पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ब्लैक जो साड़ी है सेम उसके मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगी। और गाइस, पूरे साड़ी पे ये सिल्वर कलर का वेविंग किया हुआ है जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है साड़ी का। और ये कलर आप देखो कितना यूनिक और कितना प्यारा कलर है, और मैं इसको स्टाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना क्योंकि जो नेक्स्ट साड़ी है वो भी ये पर्पल कलर की है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। तो इसके बहुत सारी साड़ीज़ मेरे पास है और ये साड़ी देखो पूरी ये कॉटन की है और ये पूरी प्लेन ही है और इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है और इसका आई थिंक या पल्लू आप देखो इतना इस पर वर्क नहीं है, पल्लू भी सिंपल ही है। लेकिन इसका सिर्फ मैंने इसके कलर की वजह से मैंने इसको लिया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार मुझे कलर, पता नहीं क्यों। तो मैंने अभी तक इसको स्टाइल नहीं किया तो बट पता नहीं मेरे पास इतनी सारी पर्पल साड़ियाँ हैं तो मैं कब इसको स्टाइल करूँगी, लेकिन मैंने बहुत ही प्यार से इसको संभाल के रखा है। आपको भी ये कलर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, सो लास्ट जो है इस हॉल में वो है ये, और ये एक नववारी साड़ी है। तो ये बैठनी साड़ी की ही मैंने स्टिच करके ली है नववारी साड़ी की। तो ये देखो इस पे ये पीकॉक का वेविंग हुआ है पूरे साड़ी पे और इसका जो बॉर्डर है वो पिंक कॉम्बिनेशन में है। और ये अगर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो ये देखो ये है इसका डिज़ाइन। तो नववारी साड़ी में भी बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं, तो मेरे पास दो नववारी साड़ी है जो मैंने स्टिच करके ली है। तो एक है ये और जो सेकंड है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने गुड़ी पड़वा पे ही वो पहनी थी तो वो मैंने मम्मी के पास ही रख दी है। सो ये है इसका डिज़ाइन और ये पूरे साड़ी पे इसका भी अगर मुझे पिक्चर मिल जाता है ना तो मैं ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने स्टिच करके लिया है, इसके पल्लू पे भी पूरा पीकॉक का वर्क किया हुआ है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद। ये लास्ट ईयर गुड़ी पड़वा में स्टिच करवा के ली थी और इस ईयर भी मैंने गुड़ी पड़वा के लिए नववारी साड़ी ही स्टिच करके ली थी। तो उसके पिक्चर्स और वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। सो गाइज, ये था मेरा साड़ी का कलेक्शन और ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में शूट की है क्योंकि हम कल निकलने वाले हैं बेंगलोर के लिए और ये लास्ट वीडियो है जो मैं पुणे से शूट कर रही हूँ। इसके बाद के सारे वीडियोस मैं बेंगलोर से शूट करूँगी।
और गाइज पैठनी साड़ी का मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में ऐड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, वो वाला वीडियो भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।